राजस्थान में ऐसा लग रहा है मानो सबसे बड़ा सियासी सवाल अगर कोई है तो फिर वो यही है कि क्या सचिन मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। क्या सचिन 2023 से पहले मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर 2023 में अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल ये भी है कि क्या 2023 का चुनाव सचिन के चेहरे पर लड़ा जाएगा या फिर सचिन को अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सचिन समर्थक और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स लगातार ये कयास लगाते रहे हैं कि सचिन मुख्यमंत्री कब बनेंगे। नवंबर में कहा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद सचिन मुख्यमंत्री बनेंगे। दिसंबर में कहा गया था कि बजट सचिन पायलट पेश करेंगे। फिर कहा गया कि गहलोत का ये अंतिम बजट है, बजट के बाद परिवर्तन आएगा। फिर कहा गया कि रायपुर अधिवेशन में सचिन को मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी है। फिर कहा गया कि होली के बाद राजस्थान कांग्रेस में हुड़दंग होगा और सचिन मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन हर बार राजस्थान कांग्रेस की सियासत में कुछ नहीं बदला और अब सवाल ये है कि क्या होली जाने के बाद कुछ बदलेगा। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि अभी बननी है कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। CWC के गठन के साथ मुमकिन है बने दो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सचिन को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सचिन के 2023 से पहले मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है, लेकिन सचिन की बड़ी भूमिका हो सकती है 2023 चुनाव में। राहुल और प्रियंका की गुड बुक में शामिल है सचिन का नाम, इसलिए सचिन के लिए कुछ अच्छा ही होगा आने वाले 6 महीनों में। लेकिन इन 6 महीनों में वो मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा संभव नहीं। शायद अब तो सचिन भी ये उम्मीद छोड़ चुके होंगे और नहीं चाहते होंगे कि अब उन्हें बनाया जाए मुख्यमंत्री। तो सवाल ये है कि क्या 2023 के चुनाव में सचिन को फ्री हैंड दिया जा सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि ये लगभग तय है कि वर्तमान विधायकों में 40 से 50 विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे और ज्यादातर युवाओं को मौका दिया जाएगा। और गहलोत गुट के कई नेता ऐसे हैं जो स्थिति समझ चुके हैं और सचिन गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें वो भी शामिल है जो 2018 के चुनाव में सचिन के चेहरे के साथ जीत कर आए थे, लेकिन बाद में पाल्ला बदल लिया। अब सचिन की सियासत में आने वाले 2 महीने बहुत कुछ तय कर देंगे कि क्या सचिन अगले 6 महीने देश की सियासत करेंगे या फिर प्रदेश की। हालांकि सचिन के वर्तमान दौरों ने बता दिया कि वो प्रदेश की ही सियासत करना चाहते हैं। द पीके टाइम्स की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और राजस्थान से जुड़े रहने के लिए द पीके टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।